तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये है मेरा सेकंड अचीवमेंट जो कि 200K सब्सक्राइबर्स का है। एंड आप देख सकते हो कितनी रैपिडली ये हो रहा है अच्छे से। एंड ये सब पॉसिबल है सिर्फ आपकी वजह से। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड कीप सपोर्टिंग। एंड गाइस, आई प्रॉमिस कि हमेशा मैं आपके लिए अच्छे अच्छे यूजफुल वीडियोस लाती रहूँगी, एंड आप मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिएगा। एंड क्या होता है, ऐसे सपोर्ट मिलने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, फिर अपने आप मेरे माइंड में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ जाते हैं वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, इट्स लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हे गाइस, हेलो एवरीवन, प्रिया हियर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट होते होते थोड़ी सी देर हो गई, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे आप सबको थैंक यू बोलना था इसलिए। ओके, नेवरदलेस, तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर अभी मैं अपने हेयर फ्लॉन्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक हेयर मास्क ट्राई किया है, एंड वो हेयर मास्क आपके सब हेयर इशूज़ को फाइट करने वाला है, सॉल्व करने वाला है एक्चुअली। एंड अगर आपका डैंड्रफ का इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा डैंड्रफ पूरा फ्री हो गया है इस मास्क के यूज़ से। एंड अभी चलिए देखते हैं ये मास्क कैसे बनाना है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको लगने वाले मेथी सीड्स, आप देख सकते हो मैंने 2 चम्मच मेथी के सीड्स लिए हैं, एंड उसको मैंने सो करके रखा था ओवरनाइट, तो आप देख सकते हो वो फूल के इतना सारा हो गया है। तो गाइस, आपको सिर्फ 2 या 3 टेबलस्पून ही मेथी लेना है। तो किए हुए मेथी के सीड्स में या फिर जर्मिनेटेड मेथी के सीड्स में होते हैं भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपके हेयर को एंड स्काल्प को नरिशमेंट देंगे, एंड साथ ही साथ आपके हेयर इश्यूज सॉल्व करेंगे। ये सोक किए हुए मेथी के सीड्स आपको मिक्सी के जार में डालना है एंड स्मूथ पेस्ट बनाना है। मेथी का स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करना है, तो ही ये पेस्ट स्मूथ बनेगा। यस गाइस, ये रहा मेथी का स्मूथ एंड फाइन पेस्ट, आप देख सकते हो ये ज़्यादा पतला नहीं है, तो इसका कंसिस्टेंसी से आप देख सकते हो थोड़ा सा थिक है ये, आपको भी ऐसे ही बनाना है। ये पेस्ट बनाते समय आपको ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालना है, ज़्यादा डालना नहीं है। एंड यस गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर ये पेस्ट काफ़ी स्टिकी है, इस स्टिकीनेस की वजह से आप ये हेयर मास्क आपके हेयर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आसानी से लगा सकते हो। और अभी इसमें मैं ऐड करने वाली 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल या फिर आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेथी हेयर मास्क यूज़ करने से आपके बाल सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी तो होंगे ही होंगे, बट साथ में जो कुछ भी आपके हेयर इश्यूज़ होते हैं, लाइक स्प्लिट एंड्स है, हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस या फिर रफ हेयर, ड्राई हेयर और डैंड्रफ, ये सारे इश्यूज़ सॉल्व करने वाला ये मास्क, तो गाइस डेफिनेटली ये मास्क यूज़ कीजिएगा आप। कोकोनट ऑयल में होते हैं विटामिन्स एंड फैटी एसिड, जो कि आपके स्कैल्प को नरिशमेंट देंगे, एंड साथ ही साथ आपके हेयर को ग्रो करने के लिए, थिकर एंड लॉन्गर बनाने के लिए भी हेल्पफुल होंगे। अभी इस कोकोनट ऑयल को इस मास्क के अंदर अच्छे से मिक्स कीजिएगा, एंड फिर ये मास्क रेडी है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप इस मास्क में थोड़ा सा नींबू का जूस, यानी कि 1 चम्मच नींबू का जूस डाल सकते हो। नींबू में होता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो कि डैंड्रफ के साथ फाइट करते हैं। और अभी फिर से एक बार मैं आपको इस हेयर मास्क का रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ। तो गाइज़, आप देख सकते हो लिटरली मेरे जो हाथ है ना, वो हेयर में से निकल नहीं रहे थे, इतने सॉफ्ट हो गए थे। वैसे मेरे बाल ऑलरेडी सॉफ्ट है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा नरिशमेंट जो होता है वो इस हेयर मास्क से आपको मिलने वाला है। एंड अब तक अगर आपने ये हेयर मास्क सुना नहीं या फिर यूज़ नहीं किया, तो डेफिनेटली गाइज़ मेरे भरोसे के ऊपर आपको ये हेयर मास्क यूज़ करना है। तो चलिए अभी देखते हैं ये हेयर मास्क अप्लाई कैसे करना है। हेयर मास्क अप्लाई करने से पहले आपको हेयर में से पूरे टैंगल्स रिमूव करना है लार्ज वाइट टूथ कॉम लेके। तो ये हेयर मास्क अपने हाथों से मैं अपने बालों के ऊपर लगाने वाली हूँ, आप चाहे तो हैंड ग्लोव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड फिर आपको आपके हेयर 2 हिस्सों में डिवाइड करने हैं। अपने क्लोज प्रोटेक्ट करने के लिए आप चाहे तो किसी भी ओल्ड स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एप्रन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है, ये हेयर मास्क थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो इसलिए आप आराम से ये हेयर मास्क अपने बालों के ऊपर लगा सकते हो। तो आपने सिर्फ छोटे छोटे सेक्शंस लेना है आपके बालों में से, एंड इस हेयर मास्क को अप्लाई करना है। बट जब आप हेयर मास्क अप्लाई करते हो तो मेक श्योर आपने हेयर मास्क स्काल्प के ऊपर भी लगाया है। तो गाइस, स्काल्प से लेके आपको हेयर के एंड्स तक आपको ये हेयर मास्क लगाना है, एंड ऐसे आपको प्रोडक्ट जो है वो इमर्स करना है आपके हेयर के अंदर। ये हेयर मास्क स्काल्प के ऊपर एंड रूट की तरफ लगाने से आपका डैंड्रफ का इशू तो सॉल्व हो गई होगा, बट साथ में जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो भी मजबूत होंगे एंड आपके बाल गिरेंगे नहीं। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको ये हेयर मास्क हफ्ते में एक बार ही ट्राई करना है। एंड अगर आप दूर की सोच रहे हो या फिर अगर आपको लंबे समय तक सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर चाहिए, तो आपको हमेशा ये हेयर मास्क यूज़ करना है, अप्लाई करना है। एंड गाइज, ये 100% नेचुरल होता है। आप सैलॉन और पार्लर में जाके महंगे महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स या फिर हेयर स्पा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप आराम से घर पे बैठ के 100% नेचुरल वे से हेयर स्पा कर सकते हो। एंड उसका एक एग्जांपल ये है मेथी मास्क, और कुछ वीडियोस मैंने किए हैं तो उसके लिंक्स मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड उसमें मैंने जो कुछ भी बताया तो प्लीज़ वो फॉलो कीजिएगा। एंड अब आप देख सकते हो मैंने पूरा हेयर मास्क अपने बालों के ऊपर लगा दिया है।
अब आप आपके पूरे बालों का एक बन बना दीजिएगा एंड उसके बाद में आपको ये हेयर मास्क 40 मिनट के बाद वॉश करना है। हेयर मास्क बहुत ही जल्दी सूख जाता है, फिर वॉश करते समय और निकालते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे शावर कैप का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हेयर मास्क थोड़ा सा स्टिकी होता है, इसलिए ये वॉश करते समय आपको 2 या 3 बार शैम्पू करना है एंड शैम्पू हमेशा आप नेचुरल यूज़ करें या फिर माइल्ड शैम्पू का आप इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस ये रहा आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस हेयर मास्क को यूज़ करने के बाद आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि आपको रिजल्ट कैसा आया है। एंड यस गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।